मम्मी को काट लिया है। हाँ, सांप काट लिया। साथियों, कहाँ पर सांप काट लिया है? ये देखिए, इस जगह पर। ये स्लाइन भी दिया था मॉर्निंग में। इंजेक्शन दिया सुबह। अच्छा, साथियों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मॉर्निंग मॉर्निंग का वक्त है और किसी महिला को सांप ने डस लिया है और आज देखना दिलचस्प होगा आप लोगों के लिए कि आज हम और सुजय जी हॉस्पिटल जा रहे हैं और काफ़ी जहरीला सांप है। आज एक ऐसा ही स्टोन पत्थर हाथ लगा है कि पत्थर उस जगह सटाएंगे और ये जहर मोहरा है, जहर मोहरा पत्थर है। ये जहर को किस तरह खींचता है ये देखना काबिले तारीफ होगा आप सबों के लिए, इसलिए वीडियो में अंत तक जमे रहें। साथियों, हम लोग पंचेत हॉस्पिटल की ओर आ चुके हैं। अब देखा जाए किस तरह मरीज है। ठीक है, हेलो, फीमेल वार्ड है ना। गुड मॉर्निंग। मम्मी को काट लिया है। हाँ, साथियों, ये फोन के सूचना पर आए हैं, ये एंथोनी जी हैं, इन्होंने फोन किया था कि मुबारक भैया जल्दी आइए ना। चलिए, लेकिन एक चीज बढ़िया एंथोनी किया है, मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ये बहुत ही बढ़िया सोच। बहुत सारे लोग है, काट लिया, ओझा का घर चल जा रहा। अब ओझा क्या करेगा बताइए? नहीं, बायोटी में क्या, सुजय जी गलत बोल रहे हैं। ओझा कुछ नहीं करेगा, ओझा सिर्फ समय को बर्बाद करेगा। जब समय काफी बढ़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो जहर असर खत्म हो गया। चलिए जरा देखा है। हेलो, नमस्कार। कहाँ पर काटा है सांप? मेरा मम्मी के जैसा सुनाई कम देता होगा बेचारी। कहाँ पर सांप काट लिया है? ये देखिए, इस जगह पर। ओहो, साथियों, कोई सांप जो है ना, इनको सिर्फ और सिर्फ झपट लिया है, है ना? क्या कर रहे थे कि काटा है आपको? दरवाजा खोले ना। हाँ हाँ। दरवाजे के नीचे था। हाँ हाँ। हम निकले ना, बस चपाया। हमें ऐसा लगता है कि देखिए, बारिश का मौसम है और जौनी जी का घर में साल में 3-4 बार हमको खुद जाना पड़ता है और इनका जो घर है वो तालाब के अगल बगल घिरा हुआ है और अक्सर वाटर स्नैक यानी चेकर्ड कील बैक स्नैक वहाँ आ जाता है। आने के बाद मॉर्निंग मॉर्निंग का वक्त रहा होगा ना, सुबह सुबह का समय 4 बजे। अच्छा, आपका पैर उस पर दब गया था? नहीं दबा। अच्छा, दरवाजा खुला है, साक्षात नागराज का दर्शन हुआ है। क्योंकि 95% सांप जहरीले नहीं है। एक वीडियो हमारे मोबाइल पर आया हुआ था कि कोई सांप काट लिया है किसी को और काटने के बाद लोग क्या कर रहा है, सुजय जी ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, देखिए, क्योंकि ये जागरूकता के लिए हम लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं। राजस्थान में किसी को सांप काट लिया और वो क्या कर रहा है, ये जो स्टोन है इस तरह सटा दे रहा है और सटाने के बाद क्या कर रहा है, जहर टाइप का पत्थर हो रहा है जो जी जी डालते ही सड़ जा रहा है, कहीं कुछ मारा तो सड़ जा रहा है। तो इस तरह बिल्कुल फेक वीडियो से बचे, फेक पत्थर से बचे। एक लोगों को मैसेज देने के लिए हमने एक पत्थर रखा है, सांप काटने से सीधे हॉस्पिटल का सहारा है। क्योंकि पंचेत हॉस्पिटल जो है यहाँ 50 फाइल इंजेक्शन रखा है हमारा। हम लोग खुशनसीब इंसान है कि यहाँ का हॉस्पिटल में 50 फाइल इंजेक्शन रखा हुआ है। कुछ भी होगा तो तुरंत इंजेक्शन मिल जाए। बहुत ऐसे जगह भी है आज का डेट में भारत में जहाँ आदमी इंजेक्शन नहीं होने के कारण लोगों की मृत्यु हो जा रही है। बहुत अच्छा। जन इधर आओ एंथोनी, ये स्लाइन भी दिया था मॉर्निंग में। इंजेक्शन दिया सुबह। अच्छा, सुबह कौन चीज का? टिटनेस का दिया होगा। जॉनी जी का सोच को पॉजिटिव है कि
ये तुरंत मम्मी को हॉस्पिटल ले आया। बहुत कोई लोग ओझा का घर ले जाते हैं, कहीं झाड़ फूक का कराने का चक्कर में ले जाते हैं। ये सोच हमारे पंचतवासी में नहीं है, इसीलिए नहीं है कि यहाँ हम लोग हैं जैसा युवा पीढ़ी लोगों को जागरूकता पैदा कर रहे हैं। एक टाइम मत खाइए, नहीं मरेंगे हम, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा से जुड़े और शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार बना ले। थोड़ा सा हम लोग को आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा आपका? आप तो माँ समान है, थोड़ा हम लोग को दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं नहीं, बेचारी का देखिए क्या हो रहा है ना, मेरा मम्मी का जैसा ना सुनने में थोड़ा, देखिए वक्त के साथ हम लोग भी बूढ़ा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए मेरा 52 साल एज हो चुका है, तो मम्मी को थोड़ा सा जोर से बोलना होगा तब वो सुन पाएगी। थोड़ा हम लोग आशीर्वाद दे दीजिए। और हाँ, थोड़ा सा आप लोग जगह दीजिए। ये जो मौसी जी है, इनको कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टर अगर कहता है कि नहीं 12 घंटा के बाद हम लोग छुट्टी करेंगे तो क्या होगा? एक तो अभी कहीं जा रही है घर वाले, कुछ ना कुछ बोलेंगे, कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनने से क्या होगा, डर पैदा हो जाएगा। और 12-13 घंटे के बाद अगर कहानी सुनाता भी है तो इनको तो लगेगा अरे बाबा तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गया, अब क्या होने वाला है। ये कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक इलाज हो रहा है। मनोवैज्ञानिक इलाज सांप में बहुत कारगर चीज है। साथियों, ध्यान रहे आप लोगों के घर में या अगल बगल इस तरह की कोई भी घटना हो तो हमारा उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 75 सदर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल उठ के आपके घर नहीं आए, आपको जाना होगा। झारखंड में 24 जिला है, 24 सदर हॉस्पिटल। बंगाल में 23 जिला है, 23 सदर हॉस्पिटल है। बिहार में 38 जिला है। इसी तरह हर स्टेट में जिला सदर हॉस्पिटल है, और जिला सदर हॉस्पिटल में इंजेक्शन रखना अनिवार्य है। अगर इंजेक्शन नहीं रखा है तो हॉस्पिटल का हेड से MLA, MP, जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच पूछ सकता है, क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है पूछने का कि सर ये तो गवर्नमेंट बनाती है ना, आपका हॉस्पिटल में क्यों नहीं है इंजेक्शन? रूरल क्षेत्र या ग्रामीण आए दिन स्नैक बाइट से लोग मर रहे हैं और आपका हॉस्पिटल में नहीं है। वो अपने जवाब देंगे, अगर नहीं है तो कानूनी कार्रवाई होगी हेड पर। और ये पंचायत हॉस्पिटल है, चूँकि हम लोग खुश नसीब हैं, यहाँ के लोग खुश नसीब है, और जौनी जी की मम्मी खुश नसीब है कि आज हमें मिलने का मौका मिला है। मम्मी जी को सब सब नमन करते हैं, ये बिल्कुल स्वस्थ है। भगवान ना करे, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कि किसी दूसरे के साथ इस तरह की घटना हो। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। सुजय है, जब से ये हमारा से जुड़ा है हमारा थोड़ा सा हल्का हो गया है काम। मान लीजिए हम नहीं आ पाए आपके घर, सुजय आ जाएगा। सुजय नहीं आ पाया, हम आ जाएंगे। इसलिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं आपस में, हाँ हाँ, बेचारे का सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। गुबाई का भाई है, गोलकदा का बेटा है ये। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह अपने गांव में कोशिश करें, किसी को स्नैक बाइट होता है तो उसको भीड़ से हटा दें। भीड़ से अगर हट गया तो वो बंदा बच गया। जहरीला सांप भी काट लेना, भीड़ से अगर हटा दे रहे हैं तो बच जा रहा है। क्यों बच जा रहा है? भीड़ से एक कॉमेंट आता है, अरे अगला बार आसनसोल में मर गया, कोई बोलेगा कलकत्ता में मर गया, कोई बोलेगा धनबाद में मर गया। मरा मरा सब सुन करके ना हारे कैसे मरवाते हैं, हारे कैसे? बिल्कुल बोलिए ना, बैठिए ना जोनी जी, बैठिए ना। बाबा लाम ना, इस बहाने माँ बाप का तो पैर छूने का मौका मिल रहा है। पूरा दांत है, पूरा नहीं नहीं कुछ दांत, बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत सारा दांत लग गया, नोड़ साहब काट लिया, इसको चेकर की बैग से काटा पानी डोड़िया सा। ये बिल्कुल स्वस्थ है जॉनी जी। मम्मी जी, हाँ हाँ, एक बार थोड़ा बंदे मातरम बोल दीजिए, बंदे, थोड़ा जोर से बंदे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, लोगों तक पहुँचाइए।